This video is dedicated to the group discussion for the HRMLR and the ODCL program at TIS 24. So stage 2, which is nothing but an online assessment, already has been started at TIS. और भी जो लोगों के experiences आ रहे हैं ना, उसको लेके भी I will be talking about. But before that, please share this video to everyone, जितने लोग का अभी ODCL का या तो फिर HRMLR का GD बाकी है, ठीक है, और हुआ नहीं है GD. GD में भाई जो level पे topic दे रहे हैं, जो level पे fighting चल रही है, मतलब I had a word with couple of students, बोल रहे सर फिश मार्केट है, मतलब बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज जीडी, कैसे मिलेगा बोलने का मौका, आपको तो स्नैच करना पड़ेगा ना बोलने का मौका, राइट. सो रियल टाइम वाला एक्सपीरियंस, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द जीडी एट मेन्यूअर. तो भाई बिना डेमो जीडी दिए डायरेक्टली टिस के जीडी में मत जाना, रिक्वेस्ट है, बिकॉज वहां पे 30 प्लस वाले मिलेंगे, एज वाले भी, और एक्सपीरियंस भी फोड़ के लेके आए हुए हैं, तो मतलब कहीं का नहीं बचोगे आप. ये सब बोल के मुझे आपको डराना नहीं है, बट दिस इज व्हाट द फैक्ट विच इज हैपनिंग एट टेस्ट जीडी के पार्ट में. जितने लोगों ने अभी तक जीडी दिया, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आपका एक्सपीरियंस शेयर करो, सो दैट जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने लोग अभी बाकी है जीडी देना, उनको ये चीज समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके, सो वन बाय वन लेट्स टॉक अबाउट द रियल टाइम एक्सपीरियंस अबाउट द जीडी, एक्चुअल टॉपिक्स क्या पूछ रहे हैं वो लोग, एंड डूज एंड डोंट, व्हाट आर द मिस्टेक्स पीपल आर डूइंग, ठीक है, एंड टेक इशू को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम लोगों को आ रही है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले टेक इशू पे बात कर लेते हैं. अगर आपका इंटरनेट वर्किंग नहीं है, उसको सही से करा लो, माइक टेस्टिंग अच्छे से कर लो, हो सके तो माइक यूज करो, ज़्यादा बेटर होगा. विजिबिलिटी के लिए या तो लैपटॉप या तो फिर कंप्यूटर पे आपका जीडी शेड्यूल करो. इनफैक्ट इंटरव्यू भी आपको सेम मोड में शेड्यूल करना चाहिए, फोन पे बिल्कुल मत करो. ओके, एंड या वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आपका जीडी चल रहा है, अनम्यूट रखो अपने आप को, और वीडियो भी आपको ऑन रखना है. वहां पे एक बार आपने अपने आप को म्यूट कर दिया, फिर बाद में आप को अनम्यूट करने में प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी चीजें होगी, टाइम नहीं मिलेगा. ओवरऑल जो जीडी है वो है 25 मिनट्स का. जैसे ही आपको टॉपिक मिलेगा, 3 मिनट का टाइम मिलेगा आपको सोचने के लिए, अपने जो भी पॉइंटर्स है उसको लिस्ट डाउन करो, एंड 22 मिनट मिलेगा आपको जीडी के लिए, मतलब डिस्कशन के लिए. 10 से 12 लोग का ग्रुप होगा हर जीडी में, आई रिपीट, 10 से 12 लोग आपके जीडी में होने वाले हैं, और आपको आपका बोलने का जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको स्नैच ही करना पड़ेगा. नो वन विल गिव यू एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि भाई हाँ आप बोल लो, नहीं आप बोलो, ये टाइम ही आपको नहीं मिलेगा. इफ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस जी डी, तो ऑनलाइन असेसमेंट का प्रोग्राम यू कैन ज्वाइन. सो देर आर 3 प्रोग्राम्स, 1 कोर्स 2 कोर्स, 3 प्रोग्राम वी हैव लॉन्च. उसके बाद जीडी यानी इंटरव्यू वाला प्रोग्राम अलग से, 30 मिनट का सिर्फ इंटरव्यू वाला प्रोग्राम भी हमने लॉन्च किया, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक इट. सो टू गेट द रियल टाइम एक्सपीरियंस यू कैन वॉच दिस. सो टॉपिक जो आपको आ रहा है वो है सिचुएशनल बेस्ड टॉपिक, ठीक है, जिसमें आपको आपका ओपिनियन देना है. एग्जाम्पल के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन शुड बी डन इन फास्टर पेस इन दिस कॉम्पिटेटिव मार्केट, जैसे मैंने आपको ये टॉपिक बता दिया. इस टाइप का टॉपिक एग्जाम में आपको पूछ रहे हैं, टिस के जीडी में पूछ रहे हैं, तो आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, पॉइंटर्स लिस्ट डाउन करने हैं, और आपको उस पर बात करनी है. तो आपको एक तो कोर्स नॉलेज तो होना ही चाहिए, एचआरएम के लिए जा रहे हो या ओडीसीएल के लिए जा रहे हो, कोर्स नॉलेज तो चाहिए, प्लस टॉपिक्स, ठीक है, क्या क्या पॉसिबल टॉपिक्स पूछ सकते हैं, बिजनेस जीके वाले टॉपिक्स पूछ सकते हैं, केस स्टडी करके जाओ यार, वहां से आपको और आइडिया आएगा, ठीक है. हमने लिस्ट ऑफ द टॉपिक का वीडियो ऑलरेडी बना दिया, सेशन भी ले लिया है, और भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरव्यू में भी, जीडी में भी, ये सब चीजें पढ़ के जाओ. सो वॉट एवर वी आर गाइडिंग यू पीपल, प्लीज फॉलो द सेम इफ यू रियली वॉन्ट टू क्रैक जीडी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डूज एंड डोंट्स. सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक मिल रहा है, 3 मिनट का टाइम मिल रहा है, आपके पॉइंटर्स बनाओ. समटाइम दिस हैपन कि आपको टॉपिक ही नहीं समझा है. ओके, टॉपिक ही नहीं समझा तो क्या करोगे, उसमें से जो कीवर्ड आपको लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक के बारे में कुछ समझ में आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ लिख लो पॉइंटर्स. जब कोई बोल रहा है, डिस्कस कर रहा है, जब उसने कुछ बोला, वहाँ से अपने पॉइंटर्स कलेक्ट करो. ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है, जो आपको मेन्यूअर के डेमो जीडी में भी समझ में आएगा, और हम फीडबैक भी आपको देंगे आपने क्या क्या गलतियाँ की है. एंड लेट मी टेल यू, बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होगा जीडी में. टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है भाई. अगर 10-12 लोग आ रहे हैं, ठीक है, 22 मिनट का आपको जीडी मिल रहा है, 2-3 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको बोलने के लिए, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी भी छीननी है, स्नैच करनी है. तो कैसे करना है वो, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए. जीडी में इंडिविजुअल आपका स्टैंड क्या है, और एज अ लीडर आप कैसे स्टैंड आउट कर रहे हो, ये भी चीज़ें पैनलिस्ट देखेगा. ओके, सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है. स्टार्ट वर्किंग ऑन द जीडी. एंड सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट डेमो जीडी, डोंट गो फॉर द एक्चुअल टेस्ट ग्रुप डिस्कशन, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी. सो टू ज्वाइन मेन्यूअर ऑनलाइन असेसमेंट प्रोग्राम,
गो टू द मैन्यूअर ऑफिशियल वेबसाइट बाय ऑनलाइन टेस्ट एंट्रेंस में आ जाओ, और यहाँ पे देर आर 5 प्रोग्राम सो फार वी हैव लॉन्च। एक तो ये आपका कोर्स 1, कोर्स 2 एंड कोर्स 3, जितने भी अभी तक सेशन हुए हैं उन सब का रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल मिलेगा आपको, डोंट नीड टू वरी। इसके अंदर आपके अगर आप जीडी के लिए जा रहे हो तो आपका जीडी भी होगा, सीडी के लिए जा रहे हो तो सीडी, एंड एक्सटेम्पर के लिए जा रहे हो तो एक्सटेम्पर एंड इंटरव्यू पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर 1-to-1 इंटरव्यू के लिए जाना है, यू कैन चेक आउट दिस प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको फॉर 1 कोर्स 30 मिनट्स का इंटरव्यू एंड फीडबैक मिलेगा, एंड इसके अंदर आपके इंटरव्यू मिलेगा लाइव जीडी एंड 30 मिनट्स आपका इंटरव्यू, दोनों इंक्लूडेड है। तो इस सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, एचआरएम ओडीसीएल इट इज अ फ्लैगशिप कोर्स, एंड या वी नो कि 25% वेटेज है, बट भाई काफी लेवल पे ग्रिलिंग कर रहे हैं। तो एक टिस्ट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, जीडी में काफी लोग फिल्टर हो रहे हैं, बहुत लोग तो बोल ही नहीं पा रहे कि बोलू कैसे, मेरे को तो चांस ही नहीं मिल रहा है, कोई मुझे बोलने नहीं दे रहा है। ये सारी चीजें आपको मिले समझेगी एक्चुअल जीडी के अंदर। तो आपको कैसे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, क्या क्या करना है, क्या क्या पॉइंटर्स ध्यान में रखने हैं, किसी को आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, देर आर मेनी मोर थिंग विच यू शुड नो अबाउट दी जीडी। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो, शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर आपका जीडी हो गया है तो कमेंट करके बताओ कि आपका जीडी कैसा रहा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।